एक ऐसी क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए अगर हमें कोई अच्छी हैबिट बनानी है और बुरे हैबिट्स को दूर करना है, वो क्या है? वो है बोर्डम जो होता है उसको टॉलरेट करना, जो मन नहीं लग रहा उसको टॉलरेट करना। अच्छी जो हैबिट्स होती हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो दिखने में काफ़ी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली महीना भर जिम जाओगे तब भी रिजल्ट दिखने में टाइम लगेगा, जबकि जो बुरी हैबिट है जैसे कुछ फास्ट फूड खाना, मोबाइल पे टाइम पास करना, इसमें हाथों हाथ मज़ा आता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम करता है। और ये जो अच्छी हैबिट्स है इसमें शुरू में बहुत स्ट्रगल है लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हमारी लाइफ हो जाती है। तो कोई भी अच्छी हैबिट के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बोर्डम है, तकलीफ़ है, डिस्कम्फर्ट है, इसको हमें टॉलरेट करना ही होगा। जब तक हम इसको टॉलरेट करना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब टॉलरेट करेंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ है पेशेंस, धैर्य नहीं है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने के लिए। तो ये धैर्य आता कहाँ से है? ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ से हमारे अंदर आ जाता है कि एक क्षमता आ जाती है टॉलरेट करने की चीज़ों को? दो चीज़ें हैं। पहला है एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी पे काम करना, चाहे किसी भी तरीके से, योगा हो, एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, कोई भी प्रकार का कोई एक्टिविटी, कोई फिजिकल गेम हो सकता है, उससे आपके अंदर पेशेंस आता है। दूसरा आपके अंदर पेशेंस आता है बुक रीड करने से। मैं आपकी किताबें स्कूल वाली बात नहीं कर रहा, उससे भी आता है, लेकिन जो सेल्फ हेल्प बुक होती है उससे बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आता है। तो दो चीज़ें सिंपली मैं रिपीट करूँगा, बोर्डम को, अपने अंदर जो बैड इमोशंस है उसको टॉलरेट करने की कोशिश कीजिए, और एक रीडिंग का हैबिट है या फिर एक्सरसाइज का है, एक हैबिट तो अपने अंदर डाली है ना। टाइम की कमी नहीं है लेकिन काम करने की कमी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई करिए। थैंक यू, बाय बाय।